सालन भी तैयार हो चुका है, स्वीट राइस भी तैयार हो चुके हैं। और ये तो काला हो गया मेरी तरह। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं नूरदीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल करीम वाला। तो गाइस, आज हम फिर एक और लोकेशन पे आए हुए हैं वहां पे वीडियो शूट करने के लिए। इस घर की आप लोगों ने पहले एक वीडियो देखी होगी, वो जस्ट मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिखाई थी घर की लोकेशन। तो आज हम करने लगे हैं यहाँ पे कुकिंग। ये देखें आपको ये छबियाँ वगैरह, ये हमारा देसी कल्चर है रोही का। और ये छबियाँ आप शायद पहले नहीं देखी होंगी। ये देखें किसके साथ बनाया हुआ है, आपने कमेंट्स में बताना है ये किस चीज़ से बनी हुई है। ये देखें छबियाँ। तो गाइस, आज की वीडियो बड़ी कमाल और आउट क्लास होने वाली है। इस घर में हमने करनी है जी कुकिंग। तो प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है। तो गाइस, मेरे घर में आप लोगों ने ये रलियाँ वगैरह देखी होंगी और ये इसको घड़वंजी बोलते हैं हमारी ज़बान में। यहाँ पे घड़े रखे हुए हैं, ये मिट्टी की बनी हुई है, इस पर घड़े वगैरह रख के मतलब कि गर्मियों में ऐसे पड़े रहते हैं तो ये ठंडे ठंडा ठार पानी होता है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें चाय वगैरह खाना वगैरह सर्दियों को बनाते हैं ताकि ठंड वगैरह ना लगे। मैं आज जिस घर में आया हूँ, ये इस भाजी का घर है। ये पहले हमारे घर में आई थी एज ए मेहमान, इन्होंने खाना वगैरह कुकिंग की थी। आई बटन में भी दे दूंगा और ये आपको थंबनेल भी नजर आ रहा होगा। तो भाजी क्या खाने पे आया था? भरता। अच्छा, ते नाल चावल पेन, ये क्या चावल भी बनाने हैं? हाँ, जर्दा चावल तो उस दिन आपने वहाँ पे बना के खिलाए थे आप लोग। ये रंगीन जर्दा है ना। अच्छा, ये और बनाएंगे आप? चलें ठीक है। तो गैस, आज यहाँ पे रेसिपी बनेगी बताऊँ, और साथ में जी चावल ये जर्दा बनाएंगे बाजी। तो गैस, आज इस बाजी ने हमें बुलाया अपने घर, इन्होंने ना हमें दावत दी है। तो इसकी शेप देखें बिल्कुल, ये तो काला हो गया मेरी तरह। बाजी रो क्यों रही हैं? ये धुआं है। अच्छा अच्छा, धुएं की वजह से हो रहा है। गैस, अभी ये बताऊँ वगैरह पकाने हैं बाजी ने। ये पहले सालन बनाएंगे, उसके बाद वो चावल जो रखे हुए हैं वो बनाएंगी बाजी। बाजी इतनी क्यों मेहनत करें तो सारे वास्ते? तो गैस, ये मेरी किस्मत है कि बाजी ने बुलाया मुझे और कहा कि आपको मैं आज दावत खिलाती हूँ। फाइनली गाइस, बताऊँ का सालन तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त टेस्टी, इसका तो कलर बता रहा है यार। आहा, बहुत प्यारी खुशबू है यार बाजी, कमाल। अभी खाएंगे तो मज़ा आएगा। कपड़े धोने लगी हैं आप? नहीं। हाँ, ये चावलों को वो तरपाई पे डालेंगे ना, फिर वो दुपट्टा धो के फिर डालते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे देगो में पकते हैं। हाँ, उसी तरह।
भाई मैं एक प्लेट एक पा दे थोड़े जे आले क्या नहीं पके थैंक यू लेडीज एंड खाना ये देखें बाजी ने फूल बनाया है जितनी मेरे को भूख लगी बैठी है ना ये सारा तो मैं खावे सा बाकी आप होटल तो खावे सा हाय हाय बस थोड़ा मिनट लाओ होने बस वो 10 मिनट तोरे पता नहीं केजले मुख से चले बाजी रोटियां बना ले तब तक वहां पे सेटिंग करते हैं जहां पे बैठ के खाना खाना है गाइस ये बड़े शैतान होते हैं देखें भाग के चढ़ गया चारपाई पे चल भाई चल 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 उतर 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 तुम्हारा काम नहीं है ओ भाई ले जाओ गाइस सालाना रोटी को तो दे रहे ये पट्टे वगैरह आ गए इनको हम मिल के कुतरवाते हैं फिर काम करते हैं जब तक खाना नहीं बनता सालन पाओ चलो जी तो गाइस फाइनली सालन भी तैयार हो चुका है और ये देखें स्वीट राइस भी तैयार हो चुके हैं तो इसको मैं लेके अभी जा रहा हूँ ये देखें फसलों में बैठ के वो छाऊं दरख्त की छाऊं के नीचे बैठ के अभी खाना है तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और ऐसी जगह पे बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और आता है